हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बाय आरपी इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी JCO की न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 8 अक्टूबर 2022 से, और इसका लास्ट डेट होने वाला है 6 नवंबर 2022 तक। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल OBC SC ST और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे 25 से 36 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 128 पोस्ट आई हुई है, जिसका आप वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं sarkaririzal.com की वेबसाइट पर। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और डाउनलोड नोटिफिकेशन का मिल जाएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से आपको इंटर वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा JCO OR अप्लाई जो लॉगिन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आपको रीड आउट करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना नाम एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम, उसके बाद मदर का नेम, उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक OTP कोड जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ पे इंटर करना है। देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट कीजिए। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने 10th का बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है, तो यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर करना है। देन यहाँ से आपको सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपके फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन होकर आ चुका है। अब आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है उसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। देन यहां से कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों, यहां पे आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहां पे अपना फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, जो कि यहाँ पर 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। देन यहां से आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहां पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहां पे इंटर करना है। उसके बाद यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पे अपना सिटी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहां पे स्टेट, उसके बाद यहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर अपना तहसील, देन यहाँ पर पिन कोड, उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी है सारा डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर लेना है। देन यहां से आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है।
अब आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप स्पोर्ट्स से हैं तो यहाँ पे आप एस एन ओ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप एस एन ओ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप उसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स इंटर करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना वर्ग यहाँ पे कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड, उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क, उसके बाद आप आउट ऑफ मार्क, उसके बाद यहाँ पे अपना परसेंटेज, देन यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म को एडिट या मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।